दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर जाकर भी जीत हासिल करने में नाकाम रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों का ध्यान अब दूसरे टेस्ट मैच पर शिफ्ट हो गया है, जहां दोनों ही टीमों के खिलाड़ी 3 दिसंबर से मुंबई में शुरू होने जा रहे दूसरे मुकाबले से पहले काफी कड़ा अभ्यास कर रहे हैं और टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम देने में लगे हैं। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं और मुकाबले के लिए टीम के युवा स्टार खिलाड़ी अय्यर और गिल के साथ वानखेड़े स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रहे हैं और मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में कुछ ऐसी झलकियां दिखाई दी हैं, जिसे देखकर तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कैसे भारतीय टीम के खिलाड़ी दूसरे मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड में से कौन बेहतर टेस्ट साइड है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए एक जीते हुए मैच को हाथ से जाने दिया और न्यूजीलैंड की टीम ने पलटवार करते हुए भारत के हाथ से मैच छीन लिया, जिसके बाद मौजूदा टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराने में कामयाब रही और 10 से सीरीज में बढ़त हासिल करने के भारतीय मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में मिलाजुला प्रदर्शन किया, जहां भारतीय बल्लेबाजी मैच में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से निराश किया। इसमें भारत के सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का नाम सबसे ऊपर रहा, वहीं ओपनर मयंक अग्रवाल भी दोनों पारियों में कोई खास कमाल नहीं कर सके और सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में दूसरे मैच के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और फिलहाल आराम कर रहे रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ने का मन बना लिया है और अब मुंबई में अपने होम ग्राउंड पर रोहित शर्मा दूसरे मुकाबले में रनों की बारिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभ्यास सत्र के दौरान उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर वहां मौजूद हेड कोच राहुल द्रविड़ भी काफी ज्यादा हैरान रह गए हैं। बता दें, रोहित शर्मा ने टीम के साथ जुड़ते ही प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जिसके बाद उन्होंने नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए काफी देर तक गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया है और कई ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाते हुए देखे गए हैं। वहीं दोस्तों, रोहित की बल्लेबाजी देखकर मुंबई के ही दूसरे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने भी प्रैक्टिस सेशन में कड़ा अभ्यास किया है और नेट पर गेंदबाजों की जमकर खबर ली है, जहां उन्होंने घंटों बल्लेबाजी जारी रखी है जबकि कई गेंदों पर डिफेंस को मजबूत करते दिखाई दिए हैं। वहीं अय्यर ने कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में कई थ्रो डाउन्स का भी सामना किया है और उनकी बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे मुकाबले में भी अय्यर अपने शानदार फॉर्म को जारी रखने वाले हैं। वहीं इसके अलावा शुभमन गिल ने कुछ अलग तरीके से अभ्यास किया, जहां उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए कहा और उस पर काफी लंबे वक्त तक बल्लेबाजी की, क्योंकि शुभमन एक सलामी बल्लेबाज है इसलिए सऊदी और जेमिसन के खतरों को टालने के लिए गिल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा स्पिनर की गेंदों को भी काफी रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि गिल मुंबई टेस्ट मैच में एक बड़ी पारी खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में कौन दूसरे मुकाबले में ज्यादा रन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।